अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेस्ट भी दूसरी मिठाइयों से बहुत अलग है और इसे बनाने के लिए हमें ना ही मावा की ज़रूरत है, ना ही शुगर की और ना ही किसी घी और तेल की ज़रूरत होती है। बस कुछ ही चीज़ों के साथ और कुछ स्टेप के साथ ये मिठाई बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस सी मिठाई होती है ये। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिन तक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने सबसे पहले फ्राई पैन में 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश नारियल को भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। अब मैंने इसमें 1/4 कप गुड़ डाल दिया है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और मैंने इसके अंदर 1/2 कप दूध डाल दिया है। दूध डालने से हमारा ये मिक्सचर थोड़ा गीला हो जाएगा और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसमें। अच्छे से चला चला कर हम इसे मेल्ट कर लेंगे गुड़ को। ये देखिए, थोड़े थोड़े से गुठलियाँ जो है उसे अच्छे से फोड़ लेंगे हम। अब ये मेल्ट हो गया है गुड़ अच्छे से। आप यहाँ पर चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इस्तेमाल करें, वरना इसके बिना भी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। इसकी वजह से, मिल्क पाउडर की वजह से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा मिठाई का। तो ये मिल्क पाउडर डालने के बाद ये ड्राई सा हो गया है। अब ये रेडी है। हम इसे इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में, ये मैंने 1/4 कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है ये। मैं इसे 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी सूजी को। ये देखिए, थोड़ा सी मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप ही इसमें पानी ऐड करूँगी और 1/4 कप मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ये मेजरमेंट आप याद रखिएगा कि हमें जितना सूजी ली थी हमने, उतनी ही हमें पानी भी ऐड करना है और उतना ही हमें दूध भी लेना है। 1/4 कप है तो हम 1/4 कप ही दूध भी लेंगे और 1/4 कप हम पानी भी डालेंगे। तो इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखिए, अभी एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने सारा दूध और पानी और ये ड्राई हो गया है। बस इसे हमें इस तरह से ड्राई होने तक इसे कुक कर लेना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट डो की तरह हो गया है। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैं इसे 10 मिनट तक ढक कर रख दूँगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है। हमें इसे एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे नीम गर्म रखना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से गूंथ लेंगे एकदम मुलायम होने तक। हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसे गूंथेंगे, एकदम मुलायम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना मुलायम हो गया है ये। बस हमें इसका डो बना लेना है सॉफ्ट सा। ये हमारा डो परफेक्ट है। अब मैं इसके 5 पेड़े बना लूँगी, मीडियम, जिस तरह से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उतना ही बड़ा मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। अच्छे से चिकना करके हम इसे इसके पेड़े बना लेंगे। अब मैं इसे साइड में हटा कर रख दूँगी और इसमें से एक पेड़ा उठाऊँगी और उसे सूखा आटा लगाकर उसको मैं बेल लूँगी। एक बार इस पर सूखा आटा लगा लेंगे तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, फिर इस पर दोबारा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मुलायम है, अच्छे से बेल सकते हैं हम। तो ये रोटी जितना मैंने इसे बेल लिया है, रोटी की जितना ही पतला भी रहेगा ये। अब इस पर मैं ये जो बैटर मैंने बनाया था गुड़ और नारियल का, वो मैं इस पर रख दूँगी इस तरह से और इसे अच्छा टाइट रोल कर लूँगी। इसे अच्छे से टाइट ही रोल करना है वरना इसमें गैप रह जाएगा बीच में। ये अच्छे से मैंने इसे रोल कर लिया है और अब जो इसकी साइड्स है उसको मैं इस तरह से दबा दबा कर सील कर दूंगी।
दोनों साइड्स को मैं दबाकर इस तरह से सील कर दूंगी। ये देखिए एक रोल तैयार है। इस तरह से मैं आपको एक और बनाकर बताती हूँ। गुड़ और ये नारियल का मिक्सचर हम इस पर रखेंगे और एक साइड से हम इसे इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे और इसे टाइटली रोल करेंगे अच्छे से दबा दबा कर, इसमें गैप ना रह जाए। अब ये हो गया है और इसकी साइड्स को मैं सील कर दूंगी दबाकर, और इसी तरह से हम सारे रोल्स बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। इस तरह से मैं सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं, ये पूरे 5। अब हमें इसे स्टीम करना है। इसके लिए मैंने ये एक छलनी ले ली है, इसको मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इस तरह की छलनी अगर आपके पास हो घर में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्टीमर ले लें। अब मैं इसमें एक के एक एक करके इस पर रख दूंगी। ये छोटी है मेरी छलनी, इसके लिए इस पर 3 आएगा एक बार में, हम एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे वरना यही चिपक जाएगा इसमें। तो मैं पहले एक बार में 3 करूंगी स्टीम और ये 2 रख दिए मैंने, इसे बाद में स्टीम कर लूंगी। अब मैंने ये एक पतीली में 2 गिलास पानी मैंने गर्म कर लिया था और उस पर मैंने ये अपनी छलनी रख दी है और इसे ढक्कन से बंद कर दिया। 10 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। अब ये मैंने खोल कर देखा है, ये हो चुका है अच्छे से, तो मैंने इसे निकाल लिया और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही हम इसके पीसेस करेंगे, वरना अंदर का जो बैटर है वो बिखर जाएगा गर्म में हम करेंगे तो। तो ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, इस तरह से 1/2 इंच के गैप से मैं इसकी पीसेस करूंगी। नाइफ को हम हर बार साफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्वीट तैयार है। ये तो आपने देखा कितनी आसानी से ये स्वीट बन गई है, और यकीन मानिए बहुत ही डिलीशियस है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। इसे मैं प्लेट में एक हटा के रख लूंगी और इसी तरह से मैं सारे रोल्स को इस तरह से कट कर लूंगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, यूनिक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये मिठाई की, और बहुत ही हेल्दी भी है और हम इसे कुछ दिन तक रख कर खा सकते हैं। इसमें कोई मावा या कुछ नहीं पड़ा है इसलिए ये मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होगी, और ये सूजी से बनी है इसलिए बहुत ही हेल्दी भी है। और हमें हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए। आप ये नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।